मॉर्निंग एवरी वन, वेलकम टू पाइनियर कॉन्वेंट स्कूल. थर्ड स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स टॉपिक इज गोइंग ऑन टाइम. इन द लास्ट वीडियो वी स्टडीड अबाउट AM, PM, क्लॉक हैंड्स एंड हाउ टू टेल द टाइम. सो देयर इज एन एक्टिविटी फॉर यू. कलर AM विद ब्राउन एंड PM विद येलो. आपको टाइम गिवन है यहाँ पे बहुत सारे, जिनके साथ AM आना चाहिए. मैंने आपको बताया था कि 12 o'clock नून से पहले का जो टाइम होगा दैट इज AM, और 12 o'clock नून के बाद जो टाइम होगा दैट इज़ PM. तो विद द हेल्प ऑफ योर पेरेंट्स यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस एक्टिविटी एंड यू हैव टू फिल ऑल दिस बॉक्सेस विद द कलर्स. नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट कन्वर्जन ऑफ टाइम. हमने जितने भी चैप्टर किए हैं, मेजरमेंट किया हमने, मनी का चैप्टर किया, सब में हमने कन्वर्जन किया था बिग यूनिट से स्मॉल यूनिट या फिर स्मॉल यूनिट से बिग यूनिट. तो इसी तरीके से टाइम में भी कन्वर्जन होगा. इसके लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि 1 hour में कितने मिनट्स हैं, 1 day में कितने आवर्स हैं, तभी आप उसे कन्वर्ट कर पाएंगे. सो यू हैव टू लर्न दिस थिंग दैट 1 hour equals to 60 minutes. Means 1 hour में 60 minutes होते हैं and 1 day has 24 hours और 1 day में 24 hours होते हैं. जब आपको ये पता है तो आप उसको बहुत easily convert कर सकेंगे. See here. Here we are given 2 days is equal to 2 multiply. कितने hours आएंगे? 1 day में होते हैं 24, तो हम 2 को multiply करेंगे 24 से and we will get the answer. अगर हमें 4 days कैलकुलेट करने हैं तो हम 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 24 से एंड वी विल गेट द आंसर. सिमिलरली दीज ऑल आर वेरी इजी एंड यू कैन डू. सी हियर, 5 days इज इक्वल टू, अब कितने 5 days हैं तो कितने आवर्स है? 1 day में तो 24 hours होते हैं, तो हम 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 24 से. यहाँ पे एक सम रह गया, 3 hours इज इक्वल टू 3 multiply - minutes. कितने मिनट से मल्टीप्लाई करेंगे? 1 hour में कितने मिनट होते हैं? 60. तो 3 hours के लिए हम 3 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड वी विल गेट द आंसर. नाउ आफ्टर क्लॉक वी विल स्टडी कैलेंडर. सो यहाँ आपको कैलेंडर गिवन है. कैलेंडर होता है जिसमें पूरे 12 मंथ्स का डिस्क्रिप्शन गिवन है. तो सबसे पहले आपने ये देखना है कि देयर आर 12 मंथ्स इन अ ईयर एंड अ फ्यू मंथ्स आर हेयर विच हैव 31 days एंड फ्यू मंथ्स आर हेयर विच हैव 30 days एंड 1 month इज देयर विच हैज़ ईदर 28 or 29 days. तो हम देख लेते हैं कि कौन से मंथ्स हैं और कितने मंथ्स हैं जिसमें 31 days होते हैं. सी, there are 12 months in a year. The months January, March, May, July, August, October and December. These months have 31 days. एक बार काउंट कर लेते हैं कितने मंथ्स हैं. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So 7 months have 31 days. Now the months April, June, September and November. 4 months. 4 months have 30 days. तो 7 और 4 हो गए 11. अभी 1 month रह गया ना. कौन सा 1 month रह गया? सी हियर, इन द मंथ ऑफ फेब्रुअरी वी हैव ईदर 28 days एंड सम टाइम वी हैव 29 ऑल्सो. दैट आई विल एक्सप्लेन यू कि कौन सा वो होता है. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू लर्न कि 7 months हैव 31 days, 4 months हैव 30 days एंड देयर आर टोटल 7 days इन अ वीक. अ मंथ विल हैव ईदर 4 Sundays or 5 Sundays. कोई भी मंथ होगा उसमें या तो 4 Sundays होंगे या 5 Sundays होंगे. ठीक है, अब हम 28 और 29 days की बात कर लेते हैं. हमारे जो ईयर होता है 1 year, उसमें कितने डेज होते हैं? 365 days होते हैं. बट आफ्टर एवरी 4 year एक ऐसा ईयर आता है जिसमें डेज हो जाते हैं 366. उसको हम कहते हैं लीप ईयर. हमें कैसे पता चलता है कि कोई ईयर लीप है या नहीं है? जो भी ईयर है आप उसको 4 से डिवाइड करिए. अगर वो पूरी तरह से डिविजिबल हो जाता है 4 से तो वो लीप ईयर है. ओके, अब जो ये लीप ईयर में एक एक्स्ट्रा डे आ गया, ये कहाँ जाता है? दिस एक्स्ट्रा डे इज एडेड टू द मंथ ऑफ फेब्रुअरी. तो वो फेब्रुअरी में वो डे ऐड हो जाता है. इट मीन्स आफ्टर एवरी 4 years जो लीप ईयर आएगा तब फेब्रुअरी में 29 days होंगे, अदरवाइज फेब्रुअरी में 28 days होंगे. तो हम ईयर को दो तरीके से नेम कॉल कर सकते हैं, ईदर लीप ईयर और नॉन लीप ईयर. जो ईयर 4 से डिवाइड हो जाएगा दैट इज लीप ईयर,
और जो ईयर 4 से डिवाइड नहीं होगा दैट इज नॉन लीप ईयर. तो फरवरी में 28 डेज होंगे इन अ नॉन लीप ईयर एंड फरवरी विल हैव 29 डेज इन अ लीप ईयर. फॉर एग्जांपल इफ 2016 इज अ लीप ईयर देन व्हाट विल बी द नेक्स्ट लीप ईयर. कब आएगा नेक्स्ट लीप ईयर? आफ्टर 4 इयर्स. तो हम 2016 में 4 प्लस कर देंगे, इट मींस 2020. तो अभी जो हमारा ईयर चल रहा है 2020 दैट इज अ लीप ईयर. यू कैन सी द कैलेंडर, इस ईयर में फरवरी में 29 डेज थे. Now we will learn standard format of writing dates. कि date को लिखने का standard format क्या होता है, कि पहले date, then month, then year. For example, 27 October 2000 will be written as पहले date आएगी 27, फिर month. हमने October की जगह लिखा 10 क्योंकि ये 10th number पे आता है. देन 2000 हम ईयर राइट करेंगे. तो इस टाइप की डेट्स होती हैं. आज आप अपने होम पे, आपके होम पे ब्रेड होगा या कोई मिल्क केन होगा या कोई आपके पास फ्रोजन फ्रूट्स हो सकते हैं या मेडिसन्स होंगी. आज आप उन सब के ऊपर डेट चेक करिए कि उन पे डेट गिवन होती है. उन पे मैन्युफैक्चरिंग डेट होती है जिसको शॉर्ट में लिखते हैं MFG एंड डेट. ये इस तरीके से मिलेगा. उस पे एक्सपायरी डेट भी होती है. एक्सपायरी डेट का मतलब कि इस डेट के बाद आपको वो प्रोडक्ट कंज्यूम नहीं करना चाहिए. तो आज आप अपने होम पे 2-3 थिंग्स देखिएगा जिस पे मैन्युफैक्चरिंग डेट होगा और एक्सपायरी डेट होगा. एंड नाउ राइट द डेट इन द स्टैंडर्ड फॉर्मेट. हियर यू आर गिवन डेट, मंथ, ईयर. तो आपने स्टैंडर्ड फॉर्मेट में इसको राइट करना है. इफ 2012 इज अ लीप ईयर then what will be the next leap year? Simple, इसमें 4 plus कर दीजिए, that is 2016. Which of the following is a known leap year? आप इसमें से आपको known leap year बताना है, leap year नहीं बताना. आप इसको divide कर लीजिए 4 से, जो divide हो जाएगा वो leap year है, जो नहीं divide होगा that is non leap year. So now we will see the sums in practice 11.2. First sum is you have to match the following. Number of months in a year. One year में कितने months होते हैं? You know that 12. तो आप देखेंगे कि यहाँ पे 12 कहाँ है? And then you will match it. Number of days in a week. You know 7. So you will match it. तो ये सारी activity आपने खुद से करनी है. And you can do it very easily. See, sum number 2. You have to convert into hours. बहुत simple है. 3 days is equal to dash hours. सबसे पहले आपको ये पता है कि 1 day इज इक्वल टू 24 आवर्स. तो 3 days के लिए आप 24 को 3 से मल्टीप्लाई करके यू विल गेट द आंसर. 10 days, तो हम कैसे करेंगे? पहले कि 1 day में कितने आवर्स हैं? 24. सो 24 विल बी मल्टीप्लाइड बाय 10, 240 आवर्स. मीन्स जो भी आपको गिवन है आपको उसे 24 से मल्टीप्लाई करना है. अगर यहाँ पे डे गिवन है तो, अब सपोज यहाँ पे 1 week दे दिया आपको, तो अब क्या करेंगे? 1 week को पहले हम डेज में कन्वर्ट करेंगे. 1 week में होते हैं 7 days. अब हम फिर से डेज पे आ गए, अब हमें आवर्स पे जाना है, तो हम 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 24 से. हेयर वी आर गिवन 2 weeks. 2 weeks में कितने डेज हो जाएंगे? 14. तो 14 डेज के आवर्स बनाने के लिए हम 14 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर यहाँ राइट करेंगे. कन्वर्ट इन टू मिनट्स. 5 आवर्स इज इक्वल टू डैश मिनट्स. तो इसमें भी हम वही करेंगे. 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं? 60. तो 5 आवर्स के लिए हम 5 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे. 10 आवर्स इज इक्वल टू डैश मिनट. 1 आवर में है 60 मिनट्स. तो 10 आवर्स के लिए 10 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे. यहाँ पे हमें गिवन है 1 day. 1 day को पहले हम आवर्स में कन्वर्ट करेंगे, फिर आवर्स से हम मिनट्स पे जाएंगे. हम डायरेक्टली बिगेस्ट यूनिट से स्मॉलेस्ट यूनिट पे नहीं जाते हैं, हम बीच की सारी यूनिट्स को टच करते हुए आएंगे. 1 day में 24 आवर्स. अब 24 आवर्स में कितने मिनट्स हैं उसके लिए हम 24 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे. नाउ 1 week और बिगर यूनिट आ गई हमारे पास. तो सबसे पहले हम 1 week से जाएंगे डेज में, 7 days. 7 days में से हम जाएंगे आवर्स पे. तो
तो वन डे में होते हैं 24 आवर्स, तो 7 डेज में हो जाएंगे 24 × 7, तो ये आ गए हमारे पास 168 आवर्स. अब आवर्स से मिनट पे जाना है हमें, तो 168 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे. अभी आप एक बार इतने ही सम्स कर लीजिए, क्योंकि ये थोड़ा सा आपको समझने में टाइम लगेगा, आपको प्रैक्टिस की नीड है. आप ये फिनिश कर लीजिए, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम फर्दर सम्स करेंगे. टिल देन हैव अ गुड डे.